कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रहार, रॉयल चैलेंजर्स की एक और हार। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने शर्मनाक तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बहुत ही बुरी शर्मनाक हार, कहना चाहिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को केकेआर ने मसल कर रख दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केकेआर को 7 विकेट से जीत मिला है आरसीबी के ऊपर। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने केवल 16 ओवर में ही 186 रन बना दिए केवल 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही धमाकेदार बैटिंग किया गया केकेआर के तरफ से, और दिखा केकेआर कि यही वो टीम है जो कि जीत सकती है आईपीएल का खिताब। पहले भी केकेआर बहुत बार पलटवार कर चुकी है और बहुत बार जो है तो खिताब के नज़दीक भी पहुंच चुका है, और 1-2 बार आईपीएल का खिताब भी जीत चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से बैटिंग करने आए फैफ डुप्लेसी कैप्टन और विराट कोहली। विराट कोहली ने बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेला, केवल 59 बॉल में 83 रन बनाए। 140 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 4 छक्कों के मदद से विराट कोहली की गजब की बैटिंग देखने को मिली। तो वहीं फाइव डुप्लेसी केवल 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन ने भी 21 बॉल में 33 रन बनाए 157 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 2 छक्के के मदद से। मैक्स बेल ने भी 28 रन बनाए, रजत पाटीदार 3 रन बनाकर, और दिनेश कार्तिक 8 बॉल में 20 रन बनाए। यानी कि दिनेश कार्तिक लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा रन बनाया था, पिछले मैच में दिनेश कार्तिक के वजह से ही आरसीबी को जीत मिला था। लेकिन इस बार विराट कोहली थोड़ा धीमे खेल गए, और भी जो खिलाड़ी थे थोड़ा धीमे खेले, जिसके वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर केवल 182 तक पहुंच पाई। विकेट गिरते रहे लगातार, इसलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हाथ खोलने का ज़्यादा मौका नहीं दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और 182 रन ही बना पाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को धमाकेदार छक्के चौकों की बरसात हो गई कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और वेंकटेश अय्यर की जिस प्रकार की सेंसेशनल पारी रही है, फैबुलस पारी रही है, देखकर मजा ही आ गया। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है छक्के चौकों की, ऐसी बारिश जो कि सब दिन हर दम देखने को नहीं मिलता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो प्लेयर है विकराल रूप में दिख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी को डुबा कर ही मानेंगे, और अपने खतरनाक इरादों से केकेआर ने आरसीबी को डुबो दिया है, शर्मनाक हार दे दिया है आरसीबी को। मैं आपको बता दूं, शॉल्ट जो कि विकेट कीपर है 20 बॉल में 30 रन बनाए 150 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 2 छक्के की मदद से। वहीं सुनील नारायण की बात करें तो वो तो लगभग 220 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, केवल 22 बॉल में 48 रन बना दिए। इतनी तेज बैटिंग यार कौन ही करता है, 5 लगातार छक्के बनाए और 2 चौके केवल, 14-220 के स्ट्राइक रेट से गजब की सुनील नारायण की पारी थी केकेआर को जीत दिलाने वाला। वेंकटेश अय्यर हरदम केकेआर के लिए अच्छा काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से 30 बॉलों में 50 रन ठोक डाले 4 छक्के और 3 चौकों के मदद से। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी खासी पारी खेली, 24 बॉल में 39 रन उन्होंने बनाए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। इसलिए रिंकू सिंह साधारण से स्ट्राइक देते रहे श्रेयस अय्यर को, और श्रेयस अय्यर ने छक्के मारकर मैच को जितवा दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर अभी जो केकेआर है वो दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, 2 मैच में 2 जीत के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। पहले आरआर राजस्थान रॉयल्स दूसरे पर था, लेकिन इसका नेट रेट अच्छे होने की वजह से केकेआर है दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम सुपर फोर में जगह बना पाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रिकेट की वीडियो के लिए, अपडेट के लिए, न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।